हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम शान, यू आर वॉचिंग एम एस शान 11। तो परसों हमने न्यू आईफोन 11 परचेज़ किया था। अब जो न्यू आईफोन आ रहा है उसमें दो सिम आ रही हैं, एक जो फ़ोन के अंदर होती है उसे ई सिम बोलते हैं, और एक जो आपका सिम स्लॉट होता है। तो ई सिम को आज हम चालू कराने आए हैं जियो स्टोर पर, देख सकते हैं आप। तो आज हम मैनेजर से बात करके जियो स्टोर के आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में समझाएंगे, कैसे सिम चालू होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चलिए स्टोर के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है ई सिम को एक्टिवेट करने का। देख लीजिए, अब हमारे जो जियो स्टोर के मैनेजर हैं वो आप बताएंगे आपको तो कैसे स्टार्ट होती है ई सिम स्लॉट आईफोन 11 में। सबसे पहले स्टोर पे आएंगे, स्टोर पे आने के बाद में ई सिम पे जाएंगे, जियो डिजिटल केवाईसी पे। इस पे आने के बाद में सिलेक्ट करेंगे ई सिम रजिस्ट्रेशन, डन करेंगे। डन करने के करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन का EMI नंबर मांगता है, जो कि एक सेकेंड ओपन कीजिए। पासवर्ड 0000888 है, 0000888। लाखपति बन जाओगे, केस कर दो जल्दी से। आने के बाद में कॉल पे जाएंगे, *H06S, ये EMI नंबर निकल जाएगा। EMI नंबर को यहाँ स्कैन करेंगे, स्कैन के बाद में नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आधार कार्ड के आपके डिटेल डालेंगे, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे आधार कार्ड के फ्रंट की फ़ोटो, बैक की फ़ोटो, यूज़ दिस फ़ोटो। नेक्स्ट करेंगे यहाँ कस्टमर की फ़ोटो, जैसे कस्टमर की फ़ोटो हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये जो सिम आपको प्रोवाइड कर रहा है उनकी फ़ोटो, उनके फ़ोटो के बाद में आपके जो फ़ोन में ये नंबर होते हैं EMI नंबर, ये होता है EN नंबर, ये EN नंबर डालेंगे इसमें। दो बार मांगेगा, एक में वेरीफाई के लिए और एक नॉर्मल, इसमें दो बार ये EMI नंबर डाल के नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अपने आधार कार्ड के जो एड्रेस है वो डालेंगे, डालने के बाद में सीधा नेक्स्ट कर देंगे, प्लान चूज़ करेंगे। प्लान चूज़ करने के बाद में सीधा आपके ओल्टेड नंबर पर एक OTP आएगा, OTP फिल करेंगे, और एक हमारे पास OTP आएगा, OTP फिल करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, डन हो जाएगा। कितने घंटे में सिम चालू हो जाएगी? फोर आवर्स में प्रोसेस, 4 आवर्स का होता है, बट 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं, 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे देखा होगा कि स्टोर के मैनेजर ने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हमें कि ई सिम स्लॉट एक्टिवेट करने में क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इतनी मेहनत करते हैं गाइस आपके लिए जेन्युइन कंटेंट लाने की। तो एक लाइक तो बनता है गाइस, और कोई भी आईफोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उससे आप कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। व्हाट्सअप नंबर भी है, आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।